अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो क्लास में आपको समझाने जा रहा हूँ वो है दो टूल्स के मुतालिक, जिसमें फ़र्स्ट जो टूल हमारे सामने आता है जब आप इस पे क्लिक किए रखें तो कलर सैम्पल टूल आता है और एक आता है रूलर टूल। इन दो टूल्स की क्लास में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लिक करें सब्सक्राइब पर और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। जो न्यू हमारे चैनल पे हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि मैंने इलस्ट्रेटर की तमाम क्लासेस अपलोड कर दी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, तो उधर से जाके आप इलस्ट्रेटर सीख सकते हैं। चलें चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जो है ना आपको कलर सैम्पल टूल के बारे में बताता हूँ। कलर सैम्पल टूल बिल्कुल आई ड्रॉपर टूल की तरह है, ये सैम्पल्स कलर के निकालता है। वो कैसे निकालता है, फर्स्ट करें ये एक सैम्पल मैंने ले लिया, तो ये इसने नीचे ले आया सैम्पल, ये सैम्पल, ये कलर का सैम्पल, ये कलर का सैम्पल, मैक्सिमम जितने भी सैम्पल्स होंगे वो चार सैम्पल निकालेगा। चार से जो ही एक्सीड करेगा तो उससे ज़्यादा वो सैम्पल नहीं निकाल सकता। जैसा कि आप ये देख सकते हैं चारों के इसने सैम्पल निकाल दिए, जो एग्जैक्ट कलर थी वो सब इसने निकाल दी। मैं कंट्रोल ऑल्ट जी करूँगा और फिर अगेन से मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आपने जस्ट कलर सैम्पल टूल क्लिक करना है और ये इसने सैम्पल्स निकाल दिए। ये चार सैम्पल इसने ऑटोमेटिकली निकाल दिए। फर्ज करें ये मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे इसने सैम्पल निकाल के दिया है। मैं एक बॉक्स लगा लेता हूँ, ओके, इस पर वाइट कलर हुआ हुआ है, लेकिन आरजीबी के हिसाब से इसमें क्या कलर है दूसरे वाले में वो है 210, और जो जी की वैल्यू है वो इसके पास है 180 और 172 ये चीज़, ओके। ये जो कलर है, ये वाला जो कलर है ये इसने ऑटोमेटिकली आपके सामने निकाल के दिखा दिया कि इसकी ये वैल्यू है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और बस करें कि जो है मैं कोई भी बॉक्स लगा लेता हूँ, सेम टू सेम उसी कलर का लगेगा जो कलर उसने टू पे सिलेक्ट किया था। उसके अलावा अगर आप ये कलर भी चाहेंगे वो भी उसने सैम्पल निकाल देगा। मीन्स के जो भी कलर आप चाहेंगे वो ईज़िली आपको सैम्पल निकाल के साइड पर कर देगा। तो जस्ट इसका सैम्पलिंग और कलर करेक्शन का मकसद होता है हम लोगों का कि हमें एग्जैक्ट कलर मिल जाए कि इसमें एग्जैक्ट कलर क्या हुआ है। तो नेक्स्ट जो टूल मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है हमारे पास जो आता है वो है रूलर टूल। रूलर टूल का क्या फ़ायदा है, फर्ज करें मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। हम लोगों को फ़र्ज करें कि इसकी मुझे मेजरमेंट नहीं पता, तो मैं इसकी मेजरमेंट निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं जस्ट इस पर सेलेक्ट कर लूँगा और अपने रूलर टूल पर जाऊँगा और इधर से लेके शिफ्ट प्रेस करूँगा तो बिल्कुल स्ट्रेट मेरा रूलर जाएगा। तो ये देखें इसने इन्फॉर्मेशन निकाल दी कि इसकी हाइट ये है, विड्थ ये है, हाइट ये है और ये सब कुछ। उसके बाद अगर आप इधर से ये देखें, इधर से इधर तक क्या है, तो वो भी इसने आपको निकाल के दे दिया। हाइट क्या है, विड्थ क्या है, सब कुछ इसने निकाल के दे दिया। और इसके अलावा फिर दोबारा एक फर्ज करें कि मैं एक पॉलीगॉन ले लेता हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस मैं निकाल सकूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट इस पर सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इस पर सेलेक्ट करूँगा तो ये इधर हमारे पास हाइट और विड्थ तो इसने दे दी। अगर इधर से आपने नहीं देखनी तो आप इधर से देख सकते हैं, आपको ये सब विजिबल आ रही होती है, इन्फो में आ रही होती है। इन्फो अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप इस पर जस्ट क्लिक कर देंगे, जब ये चेक हो जाएगा तो फिर ये आपके पास इन्फो आने शुरू हो जाएगा। फिर मैं रूलर पे जाता हूँ, रूलर पे जस्ट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने देखना है, तो इसने ये हमें डिस्टेंस दे दिया। मीन्स के जो चीज़ का मैं डिस्टेंस देखना चाहूँगा वो फ़ौरन मुझे डिस्टेंस बना के दे देगा, ओके। ये थी सिंपल सी टेक्निक रूलर की भी, और अगर रूलर को एक और तरह से भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करें मैं इसको डबल क्लिक करके ओके कर लेता हूँ और फर्ज करें लिटिल बिट हमारी इमेज थोड़ी सी टेढ़ी है,
तो इसको एडजस्टमेंट करने के बजाय ज़्यादातर तो हम लोग रूलर की मदद से नहीं करते, लेकिन फ़र्ज़ करें इसको मैं रूलर की मदद से एडजस्टमेंट करना है तो एक सिलेक्शन मैंने ले ली और इस तरह कर लिया और स्ट्रेटन लेयर कर दिया। स्ट्रेटन लेयर कर दिया कि उसको कितने हिसाब से मूवमेंट करो, ये थोड़ा सा और टिल्ट है तो इसको थोड़ा सा और टिल्ट मैंने कर दिया और स्ट्रेटन लेयर कर दिया। तो ये देखें इसने उस हिसाब से इसको मूवमेंट कर दिया, स्ट्रेटन लेयर इसके आराम से चीज़ों को जो मीन्स के आसानी से हो सकती हैं उनको मुश्किल में करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रांसफॉर्म के थ्रू ही कर सकते हैं वो, आराम से आप इसको टेल कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूज़ इसका एक ये भी है कि आप जो है ना कि कोई भी इमेज आपकी टेढ़ी है उसको आप सीधा कर सकते हैं, ये जो आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रही है। उसके अलावा आपने जो है क्लियर की ऑप्शन जो आ रही थी वो क्या होता है, जितने भी आपने रूलर्स लगाए हुए हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो नेक्स्ट रूलर लगा सकते हो। फर्स्ट करें ये इमेज मैंने यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट प्रेस करके किया तो ये इसने साइज दे दिया इस इमेज का, इसको मैं क्लियर करूँगा तो ये रूलर क्लियर हो जाएगा। तो ये थी छोटी सी क्लास, मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, जब आदमी उसको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।